नमस्कार दोस्तों, आजकल सभी लोग सोलर के बारे में जानना चाहते हैं, उसको लगवाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी कोशिश के बाद भी लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन उनके घर में कौन सा सोलर सिस्टम सही रहेगा और वो कितने में आएगा, इसलिए मैंने आपके एरिया सालबोनी गालोडी झारखंड में UTL सोलर की शॉपी ली है। UTL के पास ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और सभी तरह के सोलर के सारे विकल्प हैं। हमारे शॉपी NH-33 सालबोनी में है। आप हमारे यहाँ आए और सोलर के बारे में पूरी जानकारी पाएं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हमारे यहाँ प्रोडक्ट क्या क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी से पहले ये बात एक चीज़ जान लेते हैं कि हमारे यहाँ सोलर की कितना ज़रूरत है। आपके घर में मान के चलिए 500 वाट लोड चलता है, तो आपको सोलर से दिन भर में केवल 6 से 7 घंटा ही धूप मिलेगा। तो 6 से 7 घंटा आपको 500 वाट का अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो 6 से 7 घंटा आपको 500 वाट तक बिजली मिलेगा, लेकिन आपको चलाना है 24 घंटा। तो 24 घंटा चलाने के लिए आपको कम से कम 500 वाट लोड चलाने के लिए 1500 से 1800 वाट तक का सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगा, जिससे आपका 24 घंटा चलेगा। नहीं तो आप सोचते हो कि एक पैनल लगा देते हैं, एक दो पैनल लगा देते हैं, उसमें मेरा सिस्टम चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपका जितना लोड चलेगा उसका 3 गुना आपको सोलर सिस्टम या फिर सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा का पूरा सोलर से चल पाएगा। दोस्तों यह है हमारे प्रोडक्ट्स, यह है आपका समसी, UTL सोलर का समसी इन्वर्टर। उसके बाद आते हैं SMU सोलर मैनेजमेंट यूनिट, दो टाइप में आता है। एक आता है आपका, यह है आपका PWM, नीचे है MPPT सिस्टम। और दोस्तों यह है आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर, छोटा पैनल से छोटा बैटरी चार्ज करने के लिए। आपका ये भी दो किस्म का आता है, ये 10 एम्पियर और ये 20 एम्पियर। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है हमारा हलियक, जो कि है 850 से लेकर 3500 तक में रेंज में आता है। ये आपका छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, जैसे आप पंप वगैरह भी इसमें चला सकते हैं। उसके बाद आता है आपका गामा PCU, ये 1 KVA से लेकर 5 KVA तक का रेंज में आता है। हर एक प्रोडक्ट अलग अलग हम अनबॉक्सिंग करके अलग वीडियो बना के आपको देंगे। तो सबसे पहले देख रहे थे हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या है। ये गामा प्लस आपको दिख रहा होगा, ये है गामा प्लस, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है UTL का, ये RMP टेक्नोलॉजी में आता है। और उसके बाद आता है आपका अल्फा प्लस, ये आपका 1 KVA से लेकर 15 KVA तक का सिस्टम ही भी आता है, ये ज़्यादातर पेट्रोल पंप वगैरह में यूज होता है, ये भी MPPT सिस्टम है। उसके बाद आता है हम लोग का छोटा सिस्टम, छोटा पैनल आपका देखिए 40 वाट, ये 60 वाट। उसके बाद LED TV, गामा प्लस, हलिया, ये सब अलग अलग का, अलग अलग टाइप का अलग अलग आता है। और इसका आपका UTL कॉम्फी के नाम से मिक्सर ग्राइंडर भी आता है, 500 वाट, 750 वाट, ये देखिए इसका। अब आपको खाली प्रोडक्ट के बारे में दिखा रहे हैं। दोस्तों ये UTL सोलर की बैटरी C10, C20 दोनों में आता है। और आपका ये 40 एम्पियर से ले कर 230 एम्पियर तक के रेंज में आता है। आपको कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगला अनबॉक्सिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।